बोलो बोला पूछो। आराधना जी आप बताइए। आप चुप की वह बोलिए आराधना जी, क्या ये सच है? पूछो सब लोग, सब लोग पूछो। देखिए आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है, कल रात में अपने घर पर ही थी, बाकी सब लोगों ने किसी और को देखा होगा सड़क पर, और मेरे पति और परिवार के लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। पर मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप मेरे पति और परिवार के लोगों को ऐसे परेशान मत कीजिए। देखिए मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। वापस देखा माधव को, तो ये सीक्वेंस काफी ड्रामेटिक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा घर निकाला होने जा रहा है, मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है, और उसी के बीच में रिपोर्टर्स आ जाते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं, एंड दे कम टू माय सेवियर, और सिचुएशन मेरे फेवर में हो जाती है, बिकॉज वो बोलते हैं कि आपके सामने गृह प्रवेश हम लोग होगा और हम वो रिकॉर्ड करेंगे लाइव एंड वील टेलीकास्ट इट। तो फिर मैं थोड़ा यू नो डिटर्मिनेशन से खुश हो जाती हूँ कि ठीक है मेरे फेवर में चीज़ें हो गई, जहाँ मेनका जी मुझे घर से बाहर निकाल रही थी, घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे, तो अब वो नहीं होगा और वैसा सीन है ये। तो यहाँ पे पहले मैंने खुद का ही गृह प्रवेश किया और अब मुझे घर निकाला बोल के निकाला जा रहा था, बट देन सिचुएशन मेरे फेवर में आ जाती है। यस, सच्चाई इसीलिए नहीं बता रही, उसका भी रीज़न है, मैं विनायक के लिए कंसर्न्ड हूँ और मैं जानती हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं और इतनी गलत तरीके से हो चुकी हैं कि कोई बात तो सुनने नहीं वाला मेरी, जो मैं सच बोलूँगी उसे भी झूठ ही कहलाया जाएगा वो, और मुझे ही झूठा बोल दिया जाएगा। When it comes to माधव also, उनके मन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे खिलाफ, बहुत सारी अभी चीज़ें उनके मन में आ चुकी हैं, तो वो आप देखेंगे आगे। इससे मैं सॉल्व तो मैं करने की कोशिश करूंगी बहुत ही प्यार से, सॉफ्टली, जो आराधना का तरीका है उसी तरीके से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स अ लॉट, एंड जो भी फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, सब को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत शो को प्यार देते रहते हैं। यू नो और दीजिए और शेयर करिए और शो को, आपके जो पहचान वाले हैं उन्हें भी बताइए आप देखिए, बिकॉज़ वी आर मेकिंग रियली वर्किंग रियली हार्ड ईच डे, हम चाहते हैं और बेटर तरीके से हम अपना शो आगे लाएँ और एंटरटेनिंग हो पाए। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू।